मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल के ऊपर में दोस्तों, और आपका स्वागत है जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 71 में। और दोस्तों, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग की सीरीज को रन कर रहे हैं इस चैनल पे, जो जीरो टू हीरो के पार्ट का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, उसमें हम एक सिंपल इंट्राडे स्ट्रेटजी को लेके आए हैं जो इंट्राडे सीरीज का पार्ट 5 है, और इसमें एक सिंपल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसके तहत शायद आपको अगर नॉलेज कम भी है टेक्निकल एनालिसिस का, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन है तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू में सफलता की दिशा में आप बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और बिना स्किप कीजिए, ताकि सारे रूल्स जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं वो रूल्स आप नोट भी कर सके, और इस वीडियो को बार बार देखकर उस स्ट्रेटजी को खुद भी प्राइस चार्ट में जाकर बैक टेस्टिंग करके देख सके कि वाकई में ये स्ट्रेटजी सिंपल है और काम करती है। क्योंकि दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में रूल्स के तहत हम ट्रेडिंग करेंगे, और वो रूल्स हमें सॉफ्टवेयर मदद करेगा उन रूल्स को फॉलो करने में, जिसमें ह्यूमन इमोशंस जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमारे लिए बाधा नहीं बन पाएंगे। और हम आज सिर्फ दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए और फॉर्मुलेट करने के लिए, और वो होगा दोस्तों VWMA, वैल्यू वेटेड मूविंग एवरेज, एंड PSAR, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर। पैराबोलिक SAR के ऊपर में जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया था हमने दोस्तों, वो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और वैल्यू वेटेड मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल हम आज इस एपिसोड के तहत में सीखेंगे कि किस तरह से उसे चार्ट में सेटिंग में लेके आते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उसका कितना इफेक्टिवली और इजी तरीके से हम मेथड करते हैं दोस्तों। तो ये रूल्स को आपको दिमाग में रखना है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको कोई भी आने वाले वीडियो में आप मिस ना करें और सारे वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट चर्चा की। तो दोस्तों, पहली स्टेप होगी कि हम स्टॉक्स का चयन करते हैं डे ट्रेडिंग या इंट्राडे पर्पस के लिए, ताकि हम एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने की संभावनाओं को तलाश सकें ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग पहला उद्देश्य होता है स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, जिसको आप सिंपल तरीके से अपने स्क्रीनर में डालकर उन स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रूल को आपके साथ शेयर करता हूं, और इन रूल को रिजिडली फॉलो करना है दोस्तों। और ये रूल है दोस्तों, जो हम अप्लाई करेंगे डेली प्राइस चार्ट पर, जबकि ट्रेडिंग हम करेंगे 13 मिनट्स के प्राइस चार्ट पर दोस्तों, जिसकी चर्चा हम आगे किस तरह से रूल अप्लाई करेंगे उसके अभी थोड़ी देर बाद करेंगे दोस्तों इस एपिसोड के तहत। तो क्राइटेरिया में डेली प्राइस चार्ट पे हम क्या देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स जो जिसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 पीरियड से ऊपर है। नंबर टू रूल क्या होगा दोस्तों, पैराबोलिक SAR जो एक इंडिकेटर है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP के नीचे होना चाहिए। अब दोस्तों, ये दो क्राइटेरिया क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनाना चाहते हैं जिनका शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, और इवन मोमेंटम इंडिकेटर PASR भी इंडिकेट कर रहा है कि वो बुलिश है दोस्तों। तीसरा रूल हम अप्लाई करेंगे कि प्राइस जो है वो क्लोज होनी चाहिए EMA 10 या EMA 20 के दोस्तों। इसको इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश हो सकता है, लेकिन प्राइस अगर ओवर एक्सटेंडेड है तो हमारे रिजल्ट बेहतर आने की संभावना नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, ये तीन क्राइटेरिया, जो पहले दो क्राइटेरिया है वो आपको बुलिश शॉर्ट टर्म बुलिश स्टॉक्स के बारे में
चयन करने में मदद करेंगे, और तीसरा क्राइटेरिया है जो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड ना हो उसको आप क्राइटेरिया में लाएंगे। एंड दोस्तों चौथा है कि आरएसआई उस स्टॉक का मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, तभी तो दोस्तों इंट्राडे में टारगेट को अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। और मोमेंटम होता है क्या दोस्तों, किस रेट से प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, और आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, और इसका सेपरेट ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो में उपलब्ध है, उसे देखिए कि आरएसआई के कितने अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल होते हैं ताकि आप अपने नॉलेज को भी एनहांस कर सके दोस्तों। तो आरएसआई में क्या देखेंगे, ऐसा स्टॉक जो पहले तीन क्राइटेरिया में तो मैच करता है, साथ में उसका आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन 65 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो लास्ट के दो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 3 एंड क्राइटेरिया नंबर 4, ये इंश्योर करेंगे कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, साथ में उनका मोमेंटम भी अच्छा है और वो बाउंस बैक कर रहे हैं की एरिया से। और दूसरा दोस्तों पहले दो क्राइटेरिया है वो आपको शॉर्ट टर्म बुलिश स्टॉक्स जो है उसको ढूंढने में मदद करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले रूल को, अगले स्टेप को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 में हमने सीखा कि किस तरह से हम स्टॉक का चयन कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए दोस्तों, अभी हम चलेंगे प्राइस चार्ट पर और ये सारी स्टेप्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं इसको भी मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो रूल्स अब देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 है, रूल्स हमारे डे ट्रेडिंग की या इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल्स होने क्या चाहिए। तो दोस्तों रूल्स को बहुत रिजिडली फॉलो करना है और इसमें कहीं भी आपके इमोशन इफेक्ट नहीं होंगे अगर सिर्फ इन रूल्स को आप इंप्लीमेंट सक्सेसफुली करते हैं दोस्तों। तो रूल नंबर 1 है, पहले हम चार्ट को कस्टमाइज करेंगे, 13 मिनट पीरियड का चार्ट हम सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों 13 मिनट के पीरियड के चार्ट पर हम इन अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे जो आगे मैं रूल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो रूल नंबर 2 है कि हम इस 13 मिनट के चार्ट पर सिर्फ दो इंडिकेटर को सेलेक्ट करेंगे। हमारा चार्ट जो होगा, प्राइस चार्ट जो होगा वो क्लटर फ्री होगा, इसमें सिर्फ दो इंडिकेटर होंगे। एक होगा VWMA, दैट इज वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, और दूसरा होगा दोस्तों PSAR, एंड ऑफ कोर्स कैंडल स्टिक्स तो होंगे दोस्तों प्राइस को इंडिकेट करने के लिए, और वॉल्यूम तो होगा ही दोस्तों। तो वॉल्यूम मूविंग वेटेड मूविंग एवरेज एंड पैराबोलिक SAR को हम चार्ट के ऊपर में सेलेक्ट करेंगे। अब तीसरी स्टेप क्या होगी, जिस समय कोई भी 13 मिनट की कैंडल VWMA के ऊपर में क्लोज होती है और उस वक्त पे अगर पैराबोलिक SAR प्राइस के नीचे है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसके अगर वो नीचे है, तो ये वक्त है एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने का। तो हम लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, यानी हम उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अब कितनी क्वांटिटी बाई करेंगे वो आपके ट्रेडिंग कैपिटल पे निर्भर करेगा, और रिस्क मैनेजमेंट तो अप्लाई करना होगा, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, जिसके लिए हमने जीरो टू हीरो में एक वीडियो बनाया है, वो एपिसोड नंबर जरूर देखिएगा, एपिसोड नंबर 31, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। अब दोस्तों ये हमने बाई का डिसीजन ले लिया, स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, वेरी सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमें पैराबोलिक SAR का इस्तेमाल करना है, और पैराबोलिक SAR जो प्राइस के नीचे है उसमें जो सेकेंड डॉट है, लास्ट बट वन डॉट है, सेकेंड डॉट जो है वो उसकी जो वैल्यू है उससे 5 पैसा नीचे, एक टिक नीचे आपको स्टॉप लॉस टर्मिनल के ऊपर में डाल देना है। अब आपको स्टॉप लॉस पता लग गया, आपकी एंट्री प्राइस पता लग गई, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा कि आप रिस्क पर शेयर कितना ले रहे हैं इस ट्रेड में। तो आपकी आर की वैल्यू निकल गई, रिस्क की वैल्यू निकल गई। तो टारगेट क्या होगा, रिस्क की वैल्यू में आप टारगेट में 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो आपका टारगेट है। अब सिंस ये इंट्राडे ट्रेडिंग है तो इसमें आपको
मार्केट क्लोजिंग के पहले निकलना है, चाहे लॉस में या प्रॉफिट में या कम प्रॉफिट में। अब दोस्तों ये रूल को रिजिडली फॉलो करने के लिए आप देखिए, यहां पर मैं कोई भी ऐसे टेक्निकल एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं जो आप कोई भी फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा इसको फॉलो रिजिडली कर सकता है। उसमें क्या चाहिए कि वो डिसिप्लिन रहे इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि सारा कुछ ये कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर देगा, आपका जो चार्टिंग टूल होगा वो देगा। इसीलिए कोई इमोशंस का सवाल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिविटी का सवाल नहीं है, तो ये एक तरह है। चलिए दोस्तों अब अगले स्टेप को समझते हैं। तो दोस्तों स्टेप नंबर थ्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा के बाद हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे और प्राइस चार्ट पर किस तरह से जो हमने रूल्स को चर्चा किया है उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं दूंगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके कि इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुली हम किस तरह से स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर थ्री है, और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग बार बार अपने डिसीजन को चेंज करते हैं, रिजिडली फॉलो नहीं करते हैं, और ये मुख्य कारण होता है कि वो सफलता से दूर रहते हैं, चाहे वो डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, फिकल माइंडेड होते हैं, बार बार उन्हें डाउट रहता है अपने दिमाग पे। इन डाउट को रिमूव कर दीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डू नॉट ब्रेक एनी रूल्स। जो हमने स्टेप वन एंड स्टेप टू में रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, अगर RSI 60 से 65 के रेंज में होनी चाहिए स्टॉक सिलेक्शन में, तो ऐसा नहीं करना है। चलो ये तो 59.5 है, क्या फर्क पड़ता है, केवल 0.5 का तो डिफरेंस है। जहां हमने कंप्रोमाइज किया रूल के साथ में, तहां दोस्तों हम अपने परफॉर्मेंस के साथ में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और आउटपुट वही होगा जो इनपुट होगा दोस्तों। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट हम सभी जानते हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ब्रेक एनी रूल। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और इन रूल की जो चर्चा हमने की है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए चार्ट एब्सोल्युटली क्लीन नजर आ रहा है, और इसमें केवल प्राइस के कैंडल्स बन रहे हैं और वॉल्यूम मैंने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले चार्ट को सेट करते हैं, क्योंकि हमें दो इंडिकेटर का पहले चयन कर लेना है दोस्तों। तो हम यहां पर इंडिकेटर के ऊपर में जाएंगे दोस्तों, इसे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहां पर टाइप करेंगे PSAR, तो आप देखिए इसमें पैराबोलिक SAR आपको बेस्ट है दोस्तों, पैराबोलिक वर्ड टाइप करें पैराबोलिक, क्योंकि हमें इसके जो बिल्ट इन है इसमें से निकालना है, बिल्ट इन में से। तो पैराबोलिक SAR हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे वो सिलेक्शन में आ जाएगा। दूसरा इंडिकेटर है दोस्तों जो हमें सेलेक्ट करना है वो है VWMA। अब आप देखिए ये आ गया VWMA, जो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे प्राइस चार्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसे हम एनेबल कर देते हैं, ये लाइन आपको जो है ये VWMA की लाइन दिखाई दे रही है, और डॉट के रूप में आपको पैराबोलिक SAR नजर आ रहे हैं, ये देखिए डॉट्स बन रहे हैं पैराबोलिक SAR के। तो इनका इस्तेमाल तो हम 13 मिनट के चार्ट पे करेंगे, हमने सिलेक्शन करके इसे रख लिया है, क्योंकि पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से आपको चार्ट की प्राइस चार्ट की सेटिंग करनी है। अब दूसरा क्या करना है दोस्तों कि 13 मिनट्स के चार्ट को सेलेक्ट करना है। उसके लिए दोस्तों 13 मिनट के चार्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ चार्ट के अलग अलग टाइम फ्रेम है, इसके डाउन मेनू में जैसे ही जाते हैं दोस्तों तो आप देखिए यहाँ पर बॉटम में आपको यहाँ पर मिनट्स ऐड, तो अगर आपके चार्ट में 13 मिनट्स नहीं है तो यहाँ पर आप 13 टाइप्स कीजिए, आप कोई भी टाइम फ्रेम इसमें सेलेक्ट करके चार्ट को अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अलग अलग स्ट्रेटजी बनाकर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने का तरीका है।
तो चार्ट को कस्टमाइज करने की सुविधा इस सॉफ्टवेयर में है। तो ट्रेडिंग व्यू को सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करके इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री वर्जन, और बाद में जब भी पेड वर्जन लेना है तो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से 13 मिनट्स के चार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ स्क्रीन पर 13 मिनट्स का चार्ट आ गया। जब इसको इस्तेमाल करेंगे तब हम उस पे चलेंगे। फिलहाल अब चलते हैं, स्टॉक्स का चयन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलेंगे, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये हमारा स्क्रीनर खुल गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने क्राइटेरिया को डालने के लिए फिल्टर पे चलेंगे दोस्तों। अब ये फिल्टर खुल गया। फिल्टर पे सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डालेंगे दोस्तों, क्योंकि पहला क्राइटेरिया है। देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 आ गया, तो हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या सेलेक्ट करना है, इट शुड बी एक्सपोन ईएमए 20 अबव होना चाहिए, किससे, ईएमए 50 से। तो आप देखिए यहाँ डाउन करिए और ईएमए 50 यहाँ आपको दिखाई दे रहा डाउन मेनू में, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो पहला क्राइटेरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, हम दूसरे क्राइटेरिया में जाएंगे और पैराबोलिक एसएआर हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। मैं ये पैराबोलिक एसएआर सेलेक्ट कर रहा हूं। तो ये देखिए दोस्तों पैराबोलिक एसएआर आ गया। इसका क्या क्राइटेरिया है, तो डाउन मेनू में जाएंगे और ये बिलो होना चाहिए, किससे बिलो होना चाहिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस से। तो यहाँ लास्ट को हम क्लिक कर देंगे तो ये क्राइटेरिया भी सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हमारी प्राइस जो है ओवर एक्सटेंडेड ना हो तो हमें क्या करना है, हम जाएंगे फिर से ईएमए पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टाइप करेंगे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में पीरियड 10 को फोकस करेंगे। तो देखिए ईएमए जैसे ही मैंने टाइप किया दोस्तों ऊपर में आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10। तो इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको प्राइस ऐसी चाहिए जो इसके करीब हो, क्लोज हो। इसका तात्पर्य है अगर ईएमए क्रॉस नीचे कर जाए प्राइस के तो इसका मतलब क्लोज होगी, तभी तो ऐसा होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग डाउन करके है, क्रॉसेस डाउन, और इसमें सेलेक्ट करेंगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब ये सारे क्राइटेरिया हमारे सेलेक्ट हो गए। आरएसआई जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया आएंगे, अलग अलग स्टॉक इसमें सेलेक्ट होंगे, उसमें आरएसआई की वैल्यू हम अलग से चेक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से स्टॉक इसके शॉर्टलिस्ट में होके आए हैं। इसकी विंडो को मैं क्लोज करता हूँ, ये मैंने विंडो क्लोज की। अब यहाँ पर देखिए टाइटन आ गया है। टाइटन में दोस्तों 60 आरएसआई की वैल्यू देखिए 60 के ऊपर है और 65 के नीचे है। डिवीज लैब को सेलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आरएसआई 60 के नीचे है, सिप्ला में भी 60 के नीचे है। तो दोस्तों ये हम अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें एक टाइटन जो है फिलहाल नजर आता है, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों बर्जर पेंट भी एक हमें नजर आया जो इस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, और मोमेंटम भी इसका 60 के ऊपर है। और एक बार देख ले दोस्तों, यहाँ पर कई क्राइटेरिया हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंडिया मार्ट है, और इंडिया मार्ट का भी स्टॉक में 60 के ऊपर है। और क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए कैनफिन होम है 60 के ऊपर में। तो इस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन हम कर सकते हैं, अलग अलग स्टॉक यहाँ पर निकल के आ गए। अब हम चलते हैं एक स्टॉक पर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से 13 मिनट के चार्ट पर हम स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे टाइटन आया है, तो टाइटन बर्जर पेंट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं टाइटन को सेलेक्ट करता हूं समझाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये टाइटन का प्राइस चार्ट डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्राइटेरिया के हिसाब से हम देख सकते हैं इसका करेक्शन ओवर होने के बाद ये प्राइस में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और पैराबोलिक एसएआर प्राइस के नीचे है। तो जो हमने क्राइटेरिया डाला था दोस्तों उससे ये मैच कर रहा है। इसको सिर्फ कंफर्म कर लेना है कि जो हमने फिल्टर में क्राइटेरिया डाले हैं उससे मैच करता है कि नहीं। अब हम चलते हैं दोस्तों 13 मिनट्स के प्राइस चार्ट पर, और ये आप देखिए मैं 13 मिनट्स का चार्ट
जो कस्टमाइज किया था उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए 13 मिनट्स के प्राइस चार्ट पर हम आ गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें की जा सकती है और कितने मौके इसने दिए हैं दोस्तों, किस किस जगह पे। तो दोस्तों ये 13 मिनट के चार्ट में आप ये जो लाइन देख रहे हैं, जो चार्ट के ऊपर में इंडिकेटर है वो है VWMA, जो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है, और ये जो डॉट्स देख रहे हैं जो प्राइस के नीचे या प्राइस के ऊपर बन रहे हैं वो पैराबोलिक SAR है। दोस्तों ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब ये मार्केट लाइव है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज मार्केट में प्राइस तो क्रॉस कर गई इसके ऊपर में दोस्तों, तो क्या हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, क्योंकि पैराबोलिक SAR प्राइस के ऊपर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों। अब यहां पर अगर हम देखें तो यस, इस जगह पे अगर आप स्क्रॉल करके देखते हैं कब का मौका मिला है, तो यहां पर हम देखते हैं ये कैंडल जो है ये क्लोज हुई 16 अक्टूबर की कैंडल, ये क्लोज हुई VWMA के ऊपर दोस्तों, और पैराबोलिक SAR नीचे है। तो यहां पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे 1227 पे, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, इसके नीचे जो पैराबोलिक SAR है उसके पहले वाले वैल्यू पर हम स्टॉप लॉस डाल सकते थे। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, हमें पैराबोलिक SAR की वैल्यू साइड से मिल जाएगी कि क्या पैराबोलिक की वैल्यू है। जैसे ही हम कर्सर उस पर ले जाएंगे पैराबोलिक पर, तो दोस्तों हम उसको पा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ और काफ़ी जल्दी, और यहाँ पर अभी तक इसका अगर BTST में कोई कन्वर्ट करना चाहता है, ऑल्दो दोस्तों जब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कन्वर्ट मत कीजिए, लेकिन अगर कन्वर्ट भी करना है BTST में तो वो संभव था, क्योंकि प्राइस अभी भी आप देखिए इसके ऊपर में ट्रेड हो रही है। हम पीछे फिर वापस चलते हैं दोस्तों, इस जगह पे देखिए प्राइस ने ये 15 अक्टूबर को दोस्तों क्रॉस किया 10 बजे के बाद, और इसके बाद देखिए हमारी एंट्री होती समथिंग अराउंड 1225 पर, और यहाँ पर देखिए जो भी इस कैंडल के नीचे का डॉट है वो उसके एक डॉट पहले का जो भी पैराबोलिक SAR है उस पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते, ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ दोस्तों मार्केट के क्लोजिंग तक। अब आगे हम देखते हैं कि दोस्तों इस जगह पे कैंडल ने क्रॉस किया, लेकिन आप देखिए पैराबोलिक SAR इस कैंडल से बनना चालू हुए, तो ये कैंडल जो है ये 14 अक्टूबर की 9:40 की कैंडल। तो यहाँ पर दोस्तों पैराबोलिक SAR पहला डॉट यहाँ पर नीचे में बना है दोस्तों। तो अगर हम ट्रेड को इनिशिएट करते तो हम एंटर करते 1239 पर दोस्तों, और ये ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। ये ट्रेड दोस्तों ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो ये हम कहीं ना कहीं इसमें हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर इस पीरियड में तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इस पीरियड में प्राइस VWMA के नीचे ट्रेड हो रही थी। यहाँ पर देखिए इस कैंडल में अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ में आता है, तो देखिए प्राइस ने 12 अक्टूबर को दोपहर में 1:50 पर ये एक बुलिश कैंडल क्रॉसओवर किया VWMA के ऊपर में, और एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ, और आप देखिए पैराबोलिक SAR बिल्कुल पास में है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, हमारी एंट्री होती 1252, और ये टारगेट बहुत इजीली अचीव हो गया दोस्तों, हम देख सकते हैं। और हम पीछे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए एक कैंडल ने क्लोजिंग दी है VWMA के ऊपर में, लेकिन इसके नीचे में डॉट का फॉर्मेशन नहीं है, और डॉट का फॉर्मेशन उसके बाद से हुआ है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से ये कैंडल ने 8 अक्टूबर को 2:40 में, ये आपको याद रखना है दोस्तों कि 2:40 में अगर एंट्री आप कर रहे हैं तो आपके पास कम समय है। तो पहली बात तो 3 बजे के बाद आपको एंट्री करनी नहीं है, क्योंकि वक्त नहीं बचता है कि आपको उसको रिजल्ट को मिल सके।
तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मैक्सिमम 2:30 बजे तक जो मिले उसी में आपको ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। अब यहां चलते हैं दोस्तों, इस जगह देखिए प्राइस नीचे ट्रेड हो रही थी और ये पहली कैंडल बनी जो 6 अक्टूबर को बनी और यहां पर आपको देखिए इजीली टारगेट अचीव हो गया। इसके पहले और चलते हैं, मैं एक ही स्टॉक में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ये रूल को सिंपल तरीके से फॉलो किया जाए तो आप देखिए यहां पर दोस्तों एक एंट्री बनी थी प्राइस की 25 सितंबर को 11:15 बजे दोस्तों, और यहां पर हम एंट्री करते तो 10098 पे हम करते और पैराबोलिक ऐसे यार जो नीचे में है वह स्टॉप लॉस होता, जो रूल हमने डिस्कस किए हैं इसका भी टारगेट दोस्तों अचीव हुआ है। इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी ये मौका मिलता है, यहाँ पर देखिए इसका VWMA के ऊपर प्राइस क्लोज हुई लेकिन नीचे देखिए पैराबोलिक ऐसे आर नहीं है, तो दोनों रूल फुलफिल होने चाहिए तब जाके हम इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसी लाइन पे दोस्तों शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को भी तलाशा जा सकता है, केवल हमें स्टॉक का स्क्रीन करते समय ये देखना होगा कि ऐसे स्टॉक का चयन करें जो मार्कडाउन फेज में हो। अभी हमने जो रूल अप्लाई किए संभावित वो स्टॉक थे जो मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहे हैं, तो ये इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको आप अगर डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते हैं तो सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। आपको डेली प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन अगर रूल को फॉलो करेंगे तो हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम कर रहे हैं, रिस्क अगर ले रहे हैं 1 आर का तो हम प्रॉफिट कमाने की संभावना कोशिश कर रहे हैं 1.5 आर का दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है जो हमारे एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है। दोस्तों इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंच सके और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति अति शीघ्र।